से क्लासेस चैप्टर है फ्यूल फीड पंप। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फ्यूल फीड पंप क्या है, इसके कार्य क्या है, ये कौन कौन से टाइप का होता है। फ्यूल फीड पंप को फ्यूल ट्रांसफर पंप भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट में FFP भी कहते हैं। FFP का मतलब होता है फ्यूल फीड पंप। फ्यूल द्वारा टैंक से डीजल को FIP तक पहुंचाने का कार्य FFP करता है, यानी ये टैंक डीजल टैंक से डीजल को FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाने का कार्य FFP करता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर से होते हुए FIP तक पहुंचाने का कार्य फ्यूल पंप ही करता है। आप चित्र में देखिए, फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप है, फिल्टर है, कार्बोरेटर या FIP है। अगर ये मान के चलिए पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर होगा, डीजल इंजन है तो FIP होगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप जो इंजेक्टर को देता है। तो ये फ्यूल टैंक से डीजल को खींचकर कहाँ तक, फ्यूल पंप से होते हुए फ्यूल फिल्टर से होते हुए कहाँ पहुंचा रहा है, FIP में पहुंचा रहा है। ये काम किसका है, फ्यूल फीड पंप का है, इसलिए इसका दूसरा नाम फ्यूल ट्रांसफर पंप भी है। एक फिगर में आप देख सकते हैं फ्यूल फीड पंप का, ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, यहाँ आप देख रहे हैं पिस्टन है, पुश रड है, फ्लोअर है, कैम है। ये फ्लोअर और कैम द्वारा ऑपरेट होता है। जब ये अपवर्ड होगा तो प्रेशराइज होकर के आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और फ्यूल बाहर निकल जाएगा प्रेशराइज होकर के फ्यूल फीड पंप से। और जब ये नीचे की ओर आता है, पिस्टन नीचे की ओर आता है, तो इसमें सक्शन क्रिएट होता है। तो ये आपका फ्यूल टैंक से फ्यूल कहाँ आता है, इनलेट वाल्व से होते हुए इस फ्यूल फीड पंप के अंतर्गत आता है, जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से आगे करेंगे। फ्यूल इंजेक्शन पंप को FIP कहा जाता है। यह इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही मात्रा एवं सही समय पर इंजेक्टर को डीजल पहुंचाता है। सही समय पर और सही मात्रा में डीजल पहुंचाने का काम कौन करता है, FIP करता है। जबकि फ्यूल फीड पंप का कार्य जैसा कि हमने बताया फ्यूल टैंक से फ्यूल खींचकर FIP तक पहुंचाता है। फ्यूल फीड पंप सामान्यतः FIP पर स्थित होता है। फ्यूल फीड पंप को सामान्यतः FIP के शाफ्ट पर स्थित कैम द्वारा ड्राइव दी जाती है। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल फीड पंप कौन कौन सा है। फ्यूल फीड पंप मुख्यतः दो प्रकार के होता है, मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप और इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप किसे कहते हैं, यह FIP पर स्थित होता है। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप FIP पर स्थित होता है, इन्हें FIP की शाफ्ट द्वारा मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप की शाफ्ट द्वारा ड्राइव दी जाती है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप किसे कहते हैं, ये इंजन के किसी भी जगह स्थित हो सकता है, इन्हें बैटरी द्वारा चलाया जाता है। अब आइए, मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप को दो भागों में बांटा गया है, प्लंजर टाइप और डायफ्राम टाइप। प्लंजर टाइप को पुनः दो भाग में बांटा गया है, सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग पंप। अब देखिए डायफ्राम टाइप को क्या कहते हैं, इस टाइप पंप द्वारा ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाता है और इसे दूर से डीजल अच्छी तरह खींच नहीं पाता है, इसलिए इनका प्रयोग इंजनों में नहीं किया जा रहा है। अब आइए हम प्लंजर टाइप, ये फिगर देख लीजिए कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है प्लंजर टाइप। इसमें होता है कैमशाफ्ट ड्राइविंग इसेंट्रिक कैम है, रोलर टैपेट है, प्रेशर स्पिंडल है, प्लंजर है, सक्शन चैम्बर है, और आपका ये देख लीजिए सक्शन वाल्व है यहाँ, और ये प्लंजर है। इसका काम कैसे होता है आपको बताते हैं। इसका मुख्यतः कंपोनेंट प्लंजर होता है, जिसे इसलिए इसका नाम प्लंजर टाइप है। प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप क्यों है, क्योंकि इसका मुख्य कंपोनेंट प्लंजर होता है, जिसे कैम शाफ्ट के कैम द्वारा ड्राइव किया जाता है। कैम का संबंध हमने अभी बताया है, कैम शाफ्ट के यहाँ कैम शाफ्ट आपका ये जो है कैम शाफ्ट है, और ये इसका कनेक्शन किससे है, अगेन मैं बता रहा हूँ, रोलर टैपेट, प्रेशर स्पिंडल से ये फिर प्लंजर पूरा कनेक्ट है। कैम द्वारा ड्राइव दिया जाता है। कैम का संबंध रोलर टैपेट एवं प्रेशर स्पिंडल से होता है। कैम के घूमने पर रोलर टैपेट के माध्यम से प्रेशर स्पिंडल में मूवमेंट होता है। इसमें एक सक्शन चेंबर होता है जिसमें फ्यूल भरा रहता है।
प्रेशराइज एक प्रेशर चेंबर भी होता है जहां से प्रेशराइज फ्यूल पाइपों को डिलीवर किया जाता है, जिसमें सक्शन चेंबर का फ्यूल प्रेशराइज होकर पहुंचता है। प्रेशराइज चेंबर में दो काम हो जाता है, एक तो सक्शन चेंबर का प्रेशराइज फ्यूल आता है और प्रेशराइज जो फ्यूल होता है एफआईपी को डिलीवर किया जाता है। तो काम कैसे करता है, जब कैम घूमता है तो रोलर टैपेट और स्पिंडल के दबाव से प्लंजर नीचे की ओर गति करता है, जिससे सक्शन चेंबर में भरा फ्यूल दबता है। प्रेशर बढ़ने से प्रेशर वाल्व खुल जाता है और प्रेशराइज फ्यूल प्रेशर चेंबर में पहुंच जाता है, जहां से एफआईपी को डिलीवर कर दिया जाता है। अपवर्ड मोशन में पीसी में भरा फ्यूल दबता है। अपवर्ड मोशन में क्या होता है, प्रेशर चेंबर में जो फ्यूल होता है वो दबता है, हाई प्रेशर पर एफआईपी को पहुंच जाता है। साथ ही सक्शन चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होता है और इस सक्शन वाल्व खुल जाता है, जहाँ से फ्यूल पुनः आता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ इस फिगर में, फिगर को आप देखिए ध्यान से। जब ये घूमता है, ये आपका कैम है, कैम जब घूमता है कैमशाफ्ट, इससे रोलर टैपेट कनेक्ट है, तो रोलर टैपेट किसको दबाएगा, प्लंजर को दबाएगा। प्लंजर दबाएगा तो यहाँ सक्शन के द्वारा जो आया हुआ फ्यूल होगा वो दब करके इस प्रेशर वाल्व से खुलकर इस प्रेशर चेंबर में आ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये डाउनवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें आया हुआ जो आपका फ्यूल है वो प्रेशराइज होकर के आउटलेट वाल्व से एफआईपी को दे दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा, मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपका सक्शन वाल्व खुल जाएगा, जिससे आपका फ्यूल आपका इस पंप के अंदर आ जाएगा और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अभी आपने देखा प्लंजर टाइप, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। इसका भी वर्क सेम एकदम, इसका काम भी प्लंजर की तरह, इसका क्रिया विधि होता है। यह पंप भी प्लंजर के समान ही होता है, लेकिन कैम की जगह पर इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ पर जो कैम था यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर होता है, एवं प्लंजर जो इसके बीच में जो प्लंजर दिया हुआ था, प्लंजर के जगह पर यहाँ पे देखिए रड है, ये रड है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल पावर है। रड डायफ्राम से जुड़ा हुआ है, ये रड जो है देखिए डायफ्राम से यहाँ जुड़ा हुआ है। जब इग्निशन स्विच ऑन होता है, ये जब ये कॉन्टेक्ट ब्रेकर देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जब इग्निशन आपका स्विच ऑन होता है तो सोलेनोइड, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड को क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी मिलता है तो ये रड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब रड को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो रड अपवार्ड गति में मोशन करेगा, ऊपर अपवार्ड की ओर ये खिंचाएगा। अपवार्ड जब खिंचाएगा तो इसका डायफ्राम भी ऊपर की ओर खींचा जाएगा, क्योंकि रड से डायफ्राम जुड़ा है तो डायफ्राम भी अपर गति करेगा, जिसके कारण पंप में वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ देख लीजिए इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, यहाँ पर आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो इनलेट वाल्व खुलने से फ्यूल पंप में आ जाएगा, इधर से आपका इनलेट वाल्व खुल जाएगा तो फ्यूल इसके अंतर्गत आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कट जाता है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट ब्रेकर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कट जाएगा तो ये क्या होगा, टेंशन के कारण, स्प्रिंग में टेंशन के कारण, जब कट जाता है तो स्प्रिंग में टेंशन के कारण आपका रड और डायफ्राम नीचे आता है, ये नीचे आराम से ये गिरेगा, तो गिरेगा तो यहाँ पर जो आपका तेल आया था वो प्रेशराइज होगा, प्रेशराइज होगा तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, जहाँ से आपका एफआईपी को सप्लाई कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप भी कार्य करता है। तो आपने देखा फ्यूल फीड पंप को फ्यूल ट्रांसफर पंप कहते हैं, और ये कितने टाइप का होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। धन्यवाद।